Hello everyone, I am Smriti. I am your EVS teacher. In this video, I am going to explain chapter 4, the story of Amrita. That means Amrita ki kahani. Let's see. This is a true story from long ago, almost 300 years ago, in a village called Khejrali. Lived Amrita. Khejrali village is near Jodhpur in Rajasthan. यह बात बहुत पुरानी है, लगभग 300 साल पुरानी है, और ये इसकी जो स्टोरी है वो सच्ची स्टोरी है. अमृता जो थी वो राजस्थान में जोधपुर के पास खिजरली गांव की रहने वाली थी. द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मिनी खेजरी ट्री डैट ग्रीव देयर. इस गांव का नाम खेजरली इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खेजरी के पेड़ थे. The people of this village took great care of plants, tree and animals. यहाँ गांव के रहने वाले जो लोग थे वो plants की, tree की और animals की देखरेख करते थे. Goats, deer, hares and peacock roamed fearlessly there. यहाँ पे रहने वाले animals जैसे कि goats, deer, hares और peacock बिना भय के इधर उधर घूमते थे. The people of the village remember what their elders used to tell them. गांव वालों को बुजुर्गों की कई बातें आज भी याद थी. उनका कहना था कि दे यूज टू से उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. उनका कहना था कि प्लांट और एनिमल हमारे बिना रह सकते बट हम उनके बिना नहीं रह सकते. ओके अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड द ट्री. अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी. शी वुड चूज ए स्पेशल ट्री फॉर द डे. अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था. शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री. वो उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती, फ्रेंड यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटिफुल, यू केयर फॉर अस. फ्रेंड तुम बहुत स्ट्रांग हो और बहुत ही ब्यूटिफुल हो और तुम सबकी हमारी देखरेख भी करते हो. थैंक यू ट्री. धन्यवाद ट्री. आई लव यू वेरी मच. गिव यू स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो. मैं तुमसे बहुत प्यार करती, तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो. लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड ए स्पेशल ट्री. अमृता की तरह अदर चिल्ड्रन के भी फ्रेंड थे. दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्री. वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे. ओके हियर देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट, इज देयर ए प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड. क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? तो ये वी विल राइट, यस ट्री आर प्लांटेड इन द रोड साइड. इन द पार्क देयर आर सेवरल बिग ट्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वेयर दे प्लांटेड देयर. वहाँ प्लांटेड क्यों लगाए गए हैं? तो वी विल राइट हियर, ट्री वर प्लांटेड देयर टू गिव शेड fruits and to keep the air fresh. Okay, next question, have you seen anyone taking care of the tree? What are this? क्या तुमने किसी को उसकी देखरेख करते हुए देखा है और किसको देखा है? तो इन द पार्क, यस आई हैव सीन इन द पार्क गार्डेनर टेक केयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज, हु ईट दिस फ्रूट. क्या उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं, उन्हें कौन खाता है? तो वी विल राइट हियर, यस आई हैव सीन फ्रूट्स ऑन द ट्री, यंग चिल्ड्रेन ईट फ्रूट्स.
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाई एनी वन. ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधे और घास किसी ने लगाए नहीं है. डू यू नो ऑफ एनी प्लेसेस वेयर ग्रास स्मॉल प्लांट्स और ट्री आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड. क्या तुम भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे अपने ही उग गए हों. तो हियर वी विल राइट यस इन द पार्क. यस In the field, grass grow on its own. Next question, why do we feel they are growing on their own? तुम्हें ये क्यों लगता है कि ये पौधे अपने आप उग रहे हैं? तो we will write here, nobody has planted the grass. Okay, still they are growing their own. Next, tree in danger. Tree, पेड़ खतरे में. Time went by. Amrita was now grow up. टाइम बीतता गया. अमृता बड़ी हो गई. वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज. एक दिन वो अपने पेड़ों से मिल रही थी. शी सॉ दैट देयर वेयर सम स्ट्रेंजर इन द विलेज. वो देखे कि वहाँ उसके गांव में कुछ अजनबी लोग उसके गांव में आए. दे हैड एक्सेस विद हिम. उनके पास कुल्हाड़ी भी थी. दे सेड दैट द किंग हैड सीन देम टू कट ट्री फॉर वुड. वे बोले कि उन्हें राजा ने भेजा है लकड़ी लाने के लिए. कट द ट्री के लिए भेजा है. द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग पैलेस. लकड़ियों की ज़रूरत राजा के महल के लिए चाहिए था और महल बनवाना था. इसके लिए उनको लकड़ी की ज़रूरत थी. तो वे जो स्ट्रेंजर आए हुए थे उन्होंने बताया कि राजा के कहने पे वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे. लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए था. नेक्स्ट, अमृता वॉज सॉक्ड. सी वेंट टू द ट्री दैट द मेन वेयर अबाउट टू कट. अमृता ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई. अमृता की होश उड़ गए. सी वेंट टू द ट्री डैट द मेन वेयर अबाउट टू कट. उन आदमियों से जिस पेड़ को काटने के लिए चुना अमृता उस पेड़ पे में पेड़ से लिपट गई. सी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली. वो अपने बाजुओं से उस पेड़ को जोर से पकड़ ली. द मेन शाउटेड एंड रिटेन हर. जो आदमी आए हुए थे स्ट्रेंजर जो आए हुए थे वो उसको पे बहुत चिल्लाए धमकाए भी. बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री. लेकिन अमृता वहाँ से नहीं गई. द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर. किंग मैन को जो था जो किंग मैन जिस आदमी को भेजे होते थे उन्हें किंग के ऑर्डर का पालन करना था. दे हैड टू किट द ट्री. दे हैड टू कट द ट्री. On seeing this, Amrita daughters and hundred of villager, old and young, hugged the tree of the protect them. Amrita को देखकर उसकी daughter जो थी अमृता की daughter थी बेटी थी और hundreds of villager, old and young और 100 villager थे गांव वाले थे जिसमें old भी थे young भी थे वो भी पेड़ की रक्षा के लिए पेड़ को पकड़ लिए पेड़ से चिपक गए. Many people including Amrita and her daughters did to save the tree. गांव के 300 से भी ज़्यादा लोग ने और उसकी बेटी पेड़ को बचाने में मर गए. पेड़ को बचाने में वो अपनी जान दे दी.
When the king heard of this, he could not believe that people gave up their lives for tree. जब ये राजा को बात पता चला तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं. He visited the village himself. वो खुद वहाँ उस गांव में आए. There he learned about villagers' respect for trees and animals. और वे विलेजर से सीखे ट्री और एनिमल्स का रिस्पेक्ट करना. डू यू रिमेम्बर व्हाट द एल्डर्स ऑफ विलेज यूज्ड टू से? तुम्हें याद है कि उस गांव के बुजुर्ग की बातें? वे वर राइट हियर. यस, दे यूज्ड टू से अगर पेड़ है तो हमें प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. उनका कहना था, बुजुर्गों की कहना था कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वेयर नो ट्री एंड नो एनिमल? डिस्कस इन योर क्लास. क्या अगर पेड़ और एनिमल्स नहीं हो तो क्या तुम सर्वाइव कर सकते हो? तो वी विल राइट, नो, विदाउट ट्री वी विल गेट फूड एंड फ्रेश एयर. नहीं, हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिना पेड़ के और बिना एनिमल्स के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. नो, वी कुड नॉट सर्वाइव इफ देयर वेयर नो ट्री एंड नो एनिमल्स. हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते बिकॉज ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. दे ऑल्सो गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड एंड अदर यूजफुल थिंग्स. एनिमल आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द विलेज इज प्रोटेक्टेड, सुरक्षित गाँव. द विलेज स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली. राजा पर गाँव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा. ही ऑर्डर डैट From then on, no tree would be cut and no animal harmed in that area. और उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा. Even today, almost 300 years later, the people of this area called Bisnoi continue to. आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं. टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं. इवन थ्रो इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर. यह एरिया बीच डेजर्ट में होने के कारण भी ये एरिया जो है ग्रीन है. यहाँ के एनिमल्स जो होते हैं वो फ्रीली बिना भय के इधर से उधर घूमते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू रिमेम्बर डैट इन क्लास थर्ड वी हैड मेक ए ट्री योर फ्रेंड? हाउ इज योर फ्रेंड नाउ? तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती किया वो कैसा है? वाई डू नॉट यू मेक ए न्यू फ्रेंड दिस ईयर? इस साल एक न्यू दोस्ती करो. क्यों नहीं किए? इस साल और एक नए पेड़ से दोस्ती करो. हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स द ट्री चेंज इन सम वे इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ ईयर? अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुमने साल भर में मौसम के साथ बदलते देखा है? ओके, ये देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन, डज द ट्री फ्लावर? क्या उस पेड़ पर फूल आते हैं? आपको एक पेड़ के बारे में बात करना है. राइट अबाउट एनी वन ट्री. आपको एक पेड़ के बारे में लिखना है और उसका पहला क्वेश्चन है, डज द ट्री फ्लावर? क्या उस पर फूल आते हैं? तो हियर वी विल राइट, यस, मैंगो ट्री ट्री इज फ्लावरिंग. मैंगो ट्री इज फ्लावरिंग प्लांट. इज flowering, flowering flowering plant. Okay, next question, do the flowers remain on the tree throughout the year?
फूल क्या साल भर रहते हैं? तो यह वी विल राइट नो. द फ्लावर डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल. ये किस मंथ्स में अपने पत्ती, इसकी पत्तियाँ किस महीने में झड़ती है? तो यह वी विल राइट अक्टूबर एंड नवंबर. अक्टूबर एंड नवंबर. ओके, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री. क्या उस पर फल लगते हैं? यह वी विल राइट यस, फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ डू दे ग्रो. वे किस मंथ में ग्रो करते हैं? यह वी विल राइट मार्च एंड टू अप्रैल. मार्च टू अप्रैल. ओके, हैव यू ईटन दिस फ्रूट. वी विल राइट हियर यस आई हैव ईटन दिस फ्रूट्स. सम टाइम बैक यू हैव रीड इन न्यूज़पेपर और सीन ऑन द टीवी हाउ सम फिल्म एक्टर्स हैड टू फेस लीगल एक्शन फॉर हंटिंग ए ब्लैक बग. तुमने कुछ दिन पहले टीवी में या अखबार में देखा या पढ़ा होगा कि फिल्म एक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी. किसके लिए? फॉर हंटिंग ए ब्लैक बग के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल हंट. लोग शिकार क्यों करते हैं? तो हियर वी विल राइट पीपल हंट एनिमल. People hunt animals for their meat, bone and skin. Skin and bones. Okay? There are rules against hunting of some animals. कुछ एनिमल्स के शिकार के लिए रूल्स भी लगाए गए हैं. पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग. पीपल जो हैं उन्हें शिकार के लिए सजा भी होती है. व्हाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट. शिकार करने पे सजा क्यों दी जाती है? तो ये वी विल राइट टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट एनिमल्स. टू प्रोटेक्ट The innocent animals की रक्षा करने के लिए शिकार पे पनिश लगाई गई है, रखी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट. अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है और इसको इसके आंसर दिए गए हैं उसको पता करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वेयर ऑफ योर एज. वे अपने बचपन में जितनी तरह की पक्षी दिखाई देते थे क्या उतनी तरह की आज भी पक्षी दिखाई देते हैं? तो हियर वी विल राइट दे शो क्रो मैना पैरोट When they were of your age. जब वो बच्चे थे तो उस समय वो क्रो मैना को देखे थे. Next question, have the numbers of some of these birds become less? क्या उन पक्षी कुछ पक्षियों की संख्या जो हो गई है कम हो गई है? Here we will write yes. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल विच दे कैन नॉट सी एनी मोर. कौन कौन से एनिमल्स जो हैं, ऐसे कौन से जंतु एवं पक्षी हैं जो अब उनके आसपास दिखाई नहीं देते हैं? तो राइट ही है स्पैरो क्रो एंड चित्ता. चित्ता कैन नॉट बी
seen any more. Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrow, mynah than he sees today. शांति के दादाजी ने बताया कि जब वे छोटे थे तो बहुत सी चिड़िया जैसे कि बहुत सारी चिड़िया देखे थे जिनमें आपका स्पैरो और मैना। कैन यू मेक टू गेसेस व्हाई देयर नंबर हैव बिकम लेस। लेकिन अब जो उनकी संख्या हो गई है क्या हो गई है, अब कम हो गई है। इसके बारे में आपको दो रीज़न बताने हैं कि वो कम क्यों हो गए हैं। तो राइट, डिफॉरेस्टेशन DEFORESTATION डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बिल्डिंग इन द नंबर ऑफ बिल्डिंग number of building increase in the number of building and pollution. Okay, deforestation increase in the number of building and pollution are the main reason behind reducing number of sparrow and mynah. Next question, the khesri tree was the most common tree that grew in the Amrita village. खेजरी tree जो थी वो अमृता के गाँव में बहुत ज़्यादा थी। Which kind of tree can you see a lot of in your area? जैसे अमृता के गाँव में खेजरी के पेड़ बहुत सारे थे तो तुम्हारे इलाके में कौन से पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं? Name two such tree, दो tree के नाम बताने हैं। तो ये will write mango and neem. Mango and neem. Okay. I will tell some points about mango and neem. Find out more about this tree from your elders. Is elders में आपको वो पता करना है। First mango. Mango is a big tree with dark green leaves. It bears fruits which is very tasty. Mango is also named as the king of fruits. There are many varieties of mangoes. Next neem. It is a tall evergreen shady tree. It has medicinal properties which help to cure many diseases. Neem while is used for making cosmetic product, soap and shampoo. Okay. Next point. The khesri tree is found mainly in desert area. Khesri ka jo ped hai wo adhikansh resort area mein paaye jate hain. Desert means marustal, jahan reti reto. It can grow without much water. इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसके छाल का प्रयोग मेडिसिन बनाने में करते हैं। पीपुल कुक एंड इट्स दिस फ्रूट्स। पीपुल इसकी फलियों को खाते हैं। इट्स वुड इज सच डैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाई इंसेक्ट। इसकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं। एनिमल्स इन दिस एरिया इट लिव्स ऑफ द खेजरी एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स सीड। एनिमल यहाँ के जो जानवर है वो खेजरी के पत्तियों को खाते हैं और तुम्हारे जैसे बच्चे इसकी छाँव में खेलते हैं। ओके, दैट्स इट्स। थैंक यू।